हेलो दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है, जाति आय और निवास प्रमाण पत्र, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, यानी कि घर बैठे आप जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र कोई भी हो, आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई भी चाहें तो आप घर से करके और घर पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ब्लॉक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पे पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा सब पे अलग अलग से कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जाति आय निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सो गाइज, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा केंद्र में। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ यहाँ पे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं मोबाइल से या डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट जाति आय और निवास प्रमाण पत्र, तो सिंपली आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप मोड पहले से ही है, मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको सर्च करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है RTPS। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर RTPS सर्च कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ RTPS ऑनलाइन सर्च करना है गूगल में। किसी भी ब्राउजर में आप सर्च कीजिएगा RTPS ऑनलाइन, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे RTPS पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करके आप कुछ देर वेट कीजिएगा तो आपके सामने एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, लेकिन हमको तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो मैं इस आप यहाँ से आप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सर्टिफिकेट वेब कॉपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है सर्टिफिकेट वेब कॉपी पर। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, तो आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था उस समय आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा और मोबाइल पे मैसेज में भी आ गया होगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन आईडी डाल दिया हूँ और सिंपली यहाँ शो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं शो पे यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे शो पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वेब कॉपी जो है यहाँ पे ये यहाँ इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये जो दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो दिया हुआ रहता है, इस वाला नंबर को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, नहीं तो कॉपी कर ले सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसको आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर टाइप कर सकते। तो यही वाला जो आवेदन संख्या है, इस वाला नंबर को आपको फिर से उस वेबसाइट पे जाना है। चलिए मैं फिर से आप उस वेबसाइट पे आपको चल के बता रहा हूँ। फिर से इस वेबसाइट पे आना है और सिंपली यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है वेरीफाइड डिजिटली सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है वेरीफाइड डिजिटली सर्टिफिकेट्स पर। चलिए इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमसे यहाँ फिर से एप्लीकेशन आईडी मांगा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको वही एप्लीकेशन आईडी देना है जो मैं वहाँ पे आपको बताया है जो रिसीविंग पे, कि जो वहाँ पे लिखा हुआ था आवेदन संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे उस नंबर डाल देना है, फिर उसी नंबर को आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो चलिए दोनों में मैं वही नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर दोनों में वही नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी में वही नंबर और सर्टिफिकेट नंबर में भी वही नंबर डाल दिया हूँ। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको शो नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं शो नो पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद सिंपली ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है और यहाँ से ऑटोमेटिक ये ओपन भी हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं
कि मेरा जो ये सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र मैं अपना ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट, जाति हो, प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, इस तरह से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। और जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर किया हूँ, तो आपसे एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।